हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेब स्टडी पर। वेब स्टडी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसरो लाइव टेस्ट 5 जो मैंने कंडक्ट कराया था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग हुए हैं या क्वेश्चन नहीं थे या कोई भी गलती था, उन सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए, क्या रॉन्ग हो रहा है क्या नहीं। लास्ट तक देखिए, पेशेंस से देखिए कौन क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम थे या किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन देना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कौन सा क्वेश्चन आपके थ्रू आपको लग रहा है कि रॉन्ग होगा या यहाँ पर राइट है, ये आपको कमेंट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को लेते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉफ्ट शोल्डर इज लीड, एंड लीड के साथ कौन सा सॉफ्ट शोल्डर क्रिया होता है, तो टीन। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एंगल प्लेट इज मेड ऑफ, एंगल प्लेट किसका बना होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्लोज ग्रेन कास्ट दिए होंगे, बट राइट आंसर होगा डी, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसिपल यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का प्रिंसिपल यूज क्या है, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल यूज बोला है ट्राई स्क्वायर का। आप यहाँ पर फ्लैटनेस भी करिएगा बट फ्लैटनेस नहीं होगा, प्रिंसिपल बोला है। फ्लैटनेस के लिए अगर आप प्रिंसिपल ही देखें तो स्प्रिट लेवल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चेकिंग फ्लैटनेस, सॉरी स्क्वायरनेस, स्क्वायरनेस यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्क्वायरनेस, लेंथ चेक नहीं करिएगा और डायमीटर चेक नहीं होता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इन सभी क्वेश्चन को करते के साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आपके ट्राई स्क्वायर हो गए तो ट्राई स्क्वायर का डिस्काउंट क्या होता है, यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों को आप माइंड में लेते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट स्पीड इन लेथ, ये लेथ होगा, लेथ नहीं होगा, ठीक है। लेथ इज एडॉप्ट फॉर द फ्लोइंग ऑपरेशन, सबसे स्लो स्पीड लेथ कौन से ऑपरेशन में होता है, तो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में होता है, ठीक है, थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में होता है। चलिए अगला देखिए। द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विद इट्स कन्फर्मिंग, सॉरी यहाँ कन्फर्मिंग दिया हुआ है, फॉर्मिंग होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विद थ्रेडिंग होना चाहिए, थ्रेडिंग होना चाहिए, ठीक है। कौन सा थ्रेड यूज होता है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, BSP, ठीक है, BSP, ओके। और इसका रिजल्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, और लाइव टेस्ट 6 इसका भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा कि कब होगा और क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इसके पहले कैसे हम लोगों का ये सीरीज चलेगा और क्या होगा, सब मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है। वाइल गैस कटिंग नोजल शूट, जब भी गैस कटिंग करते हैं, ठीक है, नोजल को कितने दूरी पर रखना चाहिए, 5 mm, ठीक है, 5 mm दूरी पर आना चाहिए वर्क से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच वन अमंग द फ्लोइंग मेटल इज मोस्ट कोरोसिव, इन सभी में से मोस्ट कोरोसिव मेटल कौन सा है, तो मैग्नीशियम, जिन्होंने मैग्नीशियम किया राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। द यूज ऑफ मेटल वर्किंग फ्लूड्स, जो फ्लूड्स यूज करते हैं या कूलेंट यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, क्या उसका काम रहता है, उसके बारे में पूछा गया। और यहाँ पे जो हिंदी है उसको मैंने इस टेस्ट में हिंदी नहीं लिया, बाकी जितने भी मैंने टेस्ट लिया है उन सभी में इसका हिंदी था, बट इसमें हिंदी नहीं था इसलिए कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ था। बहुत 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्गली अपडेट थे या तो क्वेश्चन नहीं थे, इन सभी चीज़ों को लेकर आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा, आप क्वेश्चन को देखिए और अपने प्रिपरेशन पर जोर दीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, मेटल फ्लूड्स कौन सा मतलब यूज क्या है, तो इंक्रीज द टूल लाइफ, टूल लाइफ इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बेटर सरफेस फिनिश, ये भी सही है, प्रिवेंट राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से भी रोकता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अमोनिया क्लोराइड इज यूज एज ए फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग, अमोनिया क्लोराइड को फ्लक्स के रूप में यूज एज ए फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में किस किस चीज के, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, ओके। अगला देखिए। इन द नंबर ड्रिल, नंबर ड्रिल में सबसे स्मॉलेस्ट ड्रिल कौन सा है, अब नंबर लेटर ये सभी पूछता है, तो जिन्होंने अभी तक लाइव टेस्ट दिए हुए हैं 4 से 5 उन्होंने शायद लेटर का, उन्हें पता होगा कि लेटर का सबसे शॉर्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वो कमेंट करिएगा लेटर का कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर का आपका 0.35 mm, ठीक है। चलिए अगला देखिए। द अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज क्या होता है, लोअर डेविएशन, और लिमिट फिट टॉलरेंस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप लोगों ने ये टेस्ट दे रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करा कर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। सारे इसरो के मैंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और जितने भी उन सभी को अपलोड करूँगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का मैंने मैथ के लिए अलग से एक पार्ट बनाया है उसी प्लेलिस्ट में, ताकि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन भी क्लियर हो, ठीक है। अगला देखिए। द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड
विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, देखिए स्मॉलेस्ट बोला है ठीक है, और मेजरिंग सबसे स्मॉलेस्ट आप अगर कोई माप किसी इंस्ट्रूमेंट से ले पाते तो उसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है लीस्ट काउंट। चलिए अगला देखिए, द मेथड यूज फॉर टेपर टर्निंग ऑन लेथ मशीन, टेपर टर्निंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है ऑप्शन आप लीजिएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ टीन, टीन का कलर कौन सा है, तो सिल्वर व्हाइट, सिल्वर व्हाइट, ओके सिल्वर व्हाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ इच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, इस चीज को ध्यान से समझिए, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर बोला है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, एक डिग्री 55 मिनट्स। हाँ यहाँ देखिए इस बात को समझिए, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर और बीवल प्रोटेक्टर इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, बीवल प्रोटेक्टर बोले तो एक डिग्री होता, मगर यहाँ जब वर्नियर बोला है तो क्या होगा, एक डिग्री 55 मिनट, जिन्होंने एक डिग्री 55 मिनट किया है उनका राइट आंसर है, ठीक है ओके। भले इसके लिए मार्क्स आपको ना मिला क्योंकि यहाँ पर आंसर रॉन्ग अपडेट था, ओके तो इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द चार्ज इज फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस थ्रू, जो चार्ज हम लोग फेड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस किसके थ्रू, तो थ्रोट के थ्रू, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द टू स्लिप इज प्रिसीजन मेजर्ड आर जॉइंट बाई, जो स्लिप गेज होते हैं वो जो जॉइंट होता है उसे किस, मतलब उसको क्या पद्धति बोल लीजिए या कुछ ऐसा बोल लीजिए, क्या कौन सा मेथड आप कहिएगा, कौन सा मेथड, तो स्लाइडिंग, रिंगिंग नहीं होगा स्लाइडिंग होगा, ओके स्लाइडिंग होगा। चलिए अगला देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन इज डिसाइडेड बाय, प्रॉपर्टी जो होता है रॉट आयरन का आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, एक तो आप बोल सकते हैं 99. प्योरेस्ट आयरन फॉर्म है, ये तो हुआ, बट यहाँ पे दिया है कार्बन और मैग्नीज, अगर कार्बन और मैग्नीज है तो वो रॉट आयरन का प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाउ टू स्पेसिफाई साइज ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड जो होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर इसका साइज आप किस तरीके से स्पेसिफाई करिएगा, तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है ना, जितना ये करंट कैरिंग कर सकता है उसके हिसाब से, ओके। चलिए अगला देखिए, द यूज ऑफ पाइप रिमर, पाइप रिमर का यूज किस लिए करते हैं, तो रिमूव द बार, बार क्या होता है, जो भी हम मेटल पर वर्क करते हैं या फाइलिंग करते हैं तो इसके साइड में एक हल्का सा इस तरीके से जो क्या कहते हैं उसे आप रस्ट कह लीजिए या मूर्छा कहते हैं या कुछ ऐसा जो हल्का एक लगा रहता है, हाथ पे आपका स्केच करिए तो हाथ पे कट पड़ जाए, उस टाइप का चीज़ होता है बार, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द कॉज ऑफ ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग का कारण क्या है, ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग का कारण क्या है, तो ग्रेन साइज इज टू फाइन, अगर ग्रेन साइज फाइन हो और व्हील इज हार्ड हो और व्हील भी हार्ड हो तो आपका ग्लेजिंग हो जाएगा, ठीक है ग्राइंडिंग व्हील में, तो आपका राइट आंसर ए एंड बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm, ठीक है यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, जीरो ने सी किया वो रॉन्ग है, राइट आंसर बी होगा 0.02 mm। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो इन सभी को आपको मिस नहीं करना, और हार्ड जो आप हार्ड क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन टफ करिए कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन वो करिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड, पाइप थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल आपको पता है, अगर अभी भी इसमें किसी को कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, द एक्यूरेट शेपिंग ऑफ टीथ इन अ गियर ब्लैंक रिक्वायर्ड टू यूज, एक्यूरेट शेपिंग टीथ गियर ब्लैंक में रिक्वायर्ड टू यूज किस लिए, तो डिवाइडिंग हेड, और इसके लिए मैं एक अलग से चैप्टर वाइज गियर के ऊपर आप लोगों को अच्छा से एक वीडियो देकर समझा दूंगा उसके MCQ और थ्योरी के हिसाब से, ताकि समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm, ठीक है राइट आंसर सी। चलिए अगला देखिए, द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, यहाँ कह रहा है अगर आप किसी चीज इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए या किसी भी चीज का आप मेजर लेते हैं, ठीक है उसको 2 से 3 बार मापते हैं, किस लिए, ताकि आप कंफर्म रह सके, प्रिसीशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं, अगर आप बार बार कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रिसीशन, ठीक है। रिपीटेबिलिटी 2-3 बार चेक करके एकदम कंफर्म करें, नहीं इससे कम हो नहीं सकता, इस चीज को कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मशीन रनिंग व्हाट शुड बी डन, ठीक है मशीन रनिंग के समय में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्या करिएगा, स्टार्ट चिल्लाना शुरू करिएगा या रन इलेक्ट्रिक पैनल का जाइएगा ऑफ करने के लिए पूरा, या कॉल सीनियर को बुलाइएगा, या
प्रेस रेड बटन, ठीक है, प्रेस रेड बटन होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रेस रेड बटन। किसी भी मशीन में रेड बटन इसलिए दिया जाता है ताकि आप स्टॉप करके उसका किसी फंक्शन पे वर्क कर सके या कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे ऑफ करके सीनियर को बुलाइए, इस टाइप का। या नहीं आप सोचिएगा कि सीनियर को बुलाए, पहले वहाँ रेड बटन दिया उसको प्रेस करके मशीन को ऑफ करिए, उसके बाद आप सीनियर को बुलाइए या कुछ करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एप्रोन यूज इन यूज्ड वेल्डिंग के समय में किस टाइप का एप्रोन यूज करिएगा, तो लेदर एंड वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कार्बोजिंग इज डन ऑन, कार्बोजिंग किस में डन होता है, तो लो कार्बन स्टील, ठीक है, कार्बोजिंग इज डन ऑन लो कार्बन स्टील। देखिए आप इसको कमेंट करिए तो 29 का क्या होगा, ठीक है, 29 का आपको कमेंट करना है। चलिए अगला देखिए, द कटर इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, जो कटर होता है मिलिंग मशीन में किस में माउंटेड होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑल ऑफ दिस, और मिलिंग मशीन से भी फिटर वालों के लिए दो एक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए पिग आयरन कंटेंट, पिग आयरन में कितना परसेंट आयरन रहता है, तो 90% आयरन रहता है, और रॉट आयरन में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रॉट आयरन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बट यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो ये तो ऐसे ही बात हो गया, ठीक है। विच टाइप ऑफ मेटल शुड बी यूज इन सोल्डरिंग पर्पज, विच टाइप ऑफ मेटल शुड बी यूज इन सोल्डरिंग पर्पज, सोल्डरिंग पर्पज में किस टाइप का मेटल यूज करते हैं, तो कॉपर, ठीक है, कॉपर। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, पंच यूज फॉर पंचिंग ऑन मार्किंग लाइन, जो पंच हम लोग यूज करते हैं मार्किंग लाइन में पंच करने के लिए, उस पंच को क्या कहते हैं, डॉट पंच, उसका एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ क्लोजली स्पेस सेक्शन, क्लोजली स्पेस सेक्शन, ठीक है, क्लोजली, तो क्या होगा, इंटरनल माइक्रोमीटर, ठीक है, इंटरनल माइक्रोमीटर। अगला देखिए, यह भी क्वेश्चन आउट है, अब जो भी क्वेश्चन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, इससे अगर कम आ रहा है, फेल दिखा है या कुछ भी दिखा है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना, आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस रखना है कि आप कहां तक प्रिपेयर हुए, आप कितना कर पा रहे हैं इसका। यह जो टेस्ट लेने का मेरा मकसद यही है, बस यही कि आप जिस तरीके से भी हो उस जगह पर पहुंचे जहां पर आपको पहुंचना है, ठीक है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, यहां से आप फेलियर की तरफ मत जाइए, आप उठिए कि मेरा कौन सा चीज कमजोर है, किस पॉइंट पे मुझे वर्क करना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए और लाइव टेस्ट 6 जो है उसको भी मैं आपको 3 से 4 दिन में कंडक्ट करा दूंगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो दे दूंगा। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि लिंक वहां पर प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे वो लाइव टेस्ट हो नहीं पाता है इसलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हेलिकल गियर कैन बी कट ऑन विच टाइप मिलिंग मशीन, हेलिकल गियर आपको कट करना है किस टाइप का मिलिंग मशीन है, तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ओके, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कैलिपर मीन फॉर मेजरिंग द विथ ऑफ ए स्लॉट, कैलिपर मीन फॉर मेजरिंग द विथ ऑफ ए स्लॉट, देखिए ये स्लॉट है, इसके अंदर कौन सा कैलिपर से आप मेजरमेंट ले सकते हैं, तो इनसाइड कैलिपर, ओके, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड नहीं, ठीक है। चलिए फ्लोरिंग इज मशीन ड्राई, फ्लोइंग होना चाहिए, कौन सा मशीन ड्राई होता है, मशीनिंग के कोई भी पर्पस में वो ड्राई होता है, उसके लिए कोई कूलेंट यूज नहीं होता, तो क्या होगा, कास्ट आयरन, ये भी आपका एक क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ को टेंशन नहीं लेना, बस अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखना है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ड्राइंग का पोर्शन होता था, जो आपका इंस्ट्रूमेंट या टूल से क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसको मैंने यहाँ पर आउट किया है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट एक लाइव टेस्ट होगा सिर्फ उसके लिए, उस ड्राइंग पोर्शन के लिए, ताकि एक उसका जो भी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूं, एक ही पीडीएफ में आपको पूरा ड्राइंग का पोर्शन कहां से क्या पूछता है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको टेंशन मत लीजिए कि ड्राइंग नहीं आ रहा और वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से प्लान तैयार करके रखा है, ताकि एक ही पीडीएफ में और एक ही टेस्ट से आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है, ताकि आप उससे ही एक अगर पीडीएफ निकाले तो उससे आपका काम चल जाए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द ब्लो पाइप फॉर कटिंग, सॉरी, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द ब्लो पाइप फॉर कटिंग द मटेरियल्स, कौन सा यूज करते हैं, तो ब्रास, ठीक है, विच टाइप मटेरियल यूज टू मेक द ब्लो पाइप फॉर कटिंग द मटेरियल, तो क्या होगा, ब्रास, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द पावर ऑफ सोर्स इन न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम में पावर सोर्स क्या होता है, कंप्रेसर होता है, ठीक है, कंप्रेसर होता है, ओके, यह रिसीवर नहीं होता, कंप्रेसर होता है, ठीक है। यह आप लोगों का पूरा क्वेश्चन डिस्कस हुआ, अब इसके बाद मैं आप लोगों को ड्रॉइंग के पोर्शन के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो, इसके लिए टेंशन नहीं, लाइव टेस्ट होता रहेगा जिस तरीके से हो रहा है, और एग्जाम के लिए आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम सभी कंडक्ट हो गए, बट अभी कुछ समय लगेगा, अभी आप सभी क्राइसिस को देख रहे हैं किस तरीके से अभी माहौल है, ठीक है, कहीं भी आप आ जा नहीं सकते, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करिए, ठीक है, जितना हो सके इसको
आपदा को अवसर बना लीजिए, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।